यह लोकतंत्र नहीं है, कदापि नहीं है, यह चुनाव तंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं। चुनाव तंत्र होना अलग बात है, लोकतंत्र होना अलग बात है। हमारे देश में वोट देने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे और बीवी देखिए, कि वोट देने वालों के बच्चे देखिए जरा, ये वोट देते हैं वोटरों के बच्चे हैं, और ये कौन है, नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, वोट लेने वालों के बच्चे, और फिर भी कहते हैं लोकतंत्र। आंखों से बिल्कुल साफ साफ दिखता है ये कैसे हो सकता है कि लोकतंत्र है, ये प्रजा का राज है, जनता का राज है। सरकार का बजट का पानी चलता है, बजट का पानी सबसे पहले खूब जल के पीता है मंत्री, और फिर उससे जो बच जाता ठेकेदार पीता है, जो सड़क बनाने वाला पुल बनाने वाला है। फिर इसके बाद ये छोटे मोटे नेता पीते हैं जो जिले में होते हैं, अधिकारी पीते हैं, और ये जो वोटर है विकास के लिए ऐसे रोके रखता पानी नीचे गिरता नहीं, वो 70-75 साल से लटका के रखा गया, अब गिरेगा अब गिरेगा। इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि फिल्ट्रेशन हिंदी में बोलते हैं निस्यंदन का सिद्धांत या छनने का सिद्धांत, मतलब छनते छनते विकास नीचे पहुंचता है। तो ये विकास सबसे पहले खींच लेता है मंत्री, ठेकेदार, नेता, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, और ये जो बाकी जनता बच गई वोटर, इसके हिस्से में कोई विकास आता बाता नहीं। एक तरफ धन का अकाल और दूसरे तरफ नोटों का अंबार। ये नोट हैं, ये नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ इसी तरह नोटों के बंडल पकड़े जाते हैं, जब छापे पड़ते हैं वैसे ही है। और देश में जो लोग प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं, मुख्यमंत्री से ऊपर हैं, उन लोगों के यहाँ तो कोई छापा ही नहीं पड़ सकता, कोई पुलिस नहीं जा सकती। बिल्कुल जैसे आप लोग भूसा नहीं रखते, भूसा ये वैसे नोट रखते हैं, और कहते हैं वोटरशिप देने के लिए पैसा नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ, आगे देखिए। हमारे जो नेता हैं इस लोकतंत्र में, नेता शेर चीते की तरह हैं, और जो वोटर है ये हिरण की तरह। ये कब, इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के टाइम नेता जो है अपना गर्दन ऐसे कर देता है और हिरण उसको चाटता है, बहुत प्रेम रहता है इलेक्शन के टाइम। चुनाव के वक्त जनता से बहुत प्यार होता है, शेर भी हिरण से प्यार करता है, लेकिन बाद में नहीं,